गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनालिसिस। चैनल शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। और कोई भी कंपनी के ऊपर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए ताकि मैं जल्द से जल्द उस कंपनी के ऊपर वीडियो बनवा सकूँ। मेरे चैनल की USP यह है कि मैं आपको डेट के साथ मेंशन करता हूँ और सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से किसी को बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं आपको हेल्प करता हूँ कि आप सही सपोर्ट पहचानिए और सही रेजिस्टेंस पहचानिए ताकि आप सपोर्ट में बाई कर सके और रेजिस्टेंस में सेल कर सके, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़े और लॉस बहुत कम हो जाए। आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते रहेंगे। मैंने इससे पहले बहुत वीडियोस बनाए हैं लाइक हर सेक्टर पर, बजाज फिनेंस, बजाज फिनजर्व, यस बैंक, भेल, HL, UPL, HDFC AMC, NAM इंडिया, UTI AMC, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बॉम्बे डाइंग, इंडिया बुल्स, ETC। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी वीडियो निकाल के आप चेक कर सकते हैं और मैंने कौन से डेट पे बनाया है और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शेयर के बारे में जो आप शेयर मार्केट से आने से पहले उसका नाम सुने होंगे। जी हाँ, इमामी, जो एक कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल की कैटेगरी में आता है और ये लोग पर्सनल केयर के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी कंपनी पे इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर उस कंपनी की साइट पे जाइए, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और थोड़ा एनालाइज कीजिए कि ये कंपनी कब से है, क्या प्रोडक्ट बना रही है, फ्यूचर क्या है इनके प्रोडक्ट्स का। अब बात करते हैं इनके 52 वीक लो का। अगर आप देखेंगे तो ये 130.95 है, 52 वीक हाई इनका 501.10। अब आप खुद गेस कीजिए दिसंबर 2021, दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 में इनका क्या टारगेट होगा, क्या ये 1000 को टच करेंगे, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। अब अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें, एक साल पे इन्होंने 43.22% का रिटर्न दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है कोविड के चलते। कोविड में अगर ये कंपनी ने 43% का रिटर्न दिया, आप सोचिए कंपनी कितनी स्ट्रांग है। टू ईयर्स में इनका रिटर्न -13.42 है और 3 ईयर में -22.81 है। ओके, अब बात करते हैं कि ये कंपनी जो है, आप अगर देखेंगे तो ये 1974 से चल रहा है और ये इंडिया एंड एब्रॉड दोनों में ऑपरेट करते हैं। एब्रॉड में भी ऑलमोस्ट ये 60+ कंट्री को सर्व कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि इनका कितना बिजनेस जनरेट होता रहेगा इंडिया और एब्रॉड से। ओके, और इनके जो प्रोडक्ट्स है ये कौन से सेक्टर में हैं, आप अगर इमामी का नाम सुने रहेंगे आपने सिर्फ फेयर एंड हैंडसम का ही आपके दिमाग में आता रहेगा या फास्ट रिलीफ आता रहेगा। बट क्या आपको पता है ये लोग FMCG में भी हैं, एडिबल सेक्टर में हैं, बायोडीजल में हैं, पेपर बोर्ड में, न्यूज़ प्रिंट में भी हैं, रियल एस्टेट में, हेल्थ केयर और फार्मेसी में भी इनके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। सॉरी, तो आप लोग खुद सोचिए कि ये कंपनी का प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कितना ज़्यादा है और इनके जो मेन ब्रांड्स है जो सबने सुना रहेगा, जो इतना एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं, बोरो प्लस है, नवरत्न है, फेयर एंड हैंडसम है, फास्ट रिलीफ है, जंडोबाम एंड केस किंग है। अब आप अगर सोचेंगे कि ये जंडोबाम एंड केस किंग पे मैंने लाइन क्यों डाला है, तो रीज़न इसके लिए कि जंडोबाम एंड केस किंग जो इनके ब्रांड है ये इन्होंने एक्वायर किए हुए हैं। ओके, जो पहले के प्रोडक्ट्स मैंने बताया लाइक बोरो प्लस, नवरत्न, फेयर एंड हैंडसम, फास्ट रिलीफ, इनके अपने प्रोडक्ट है। जंडोबाम और केस किंग को भी इन्होंने एक्वायर किया है, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकली चार्ट्स पे अब समझते हैं जो मेरे चैनल की सबसे बड़ी USP है, जो मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इस कंपनी का स्ट्रांग सपोर्ट आज के डेट में 400 रुपीज़ है, स्ट्रांग सपोर्ट 2430, स्ट्रांग सपोर्ट 3460, रेजिस्टेंस 500 पे। अगर 500 टूटेगा तो ये फिर से ऊपर जाने की तैयारी करेगा। करेंटली ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव स्टॉक। इट मींस कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो 43% अगर आपको एक साल में रिटर्न दे रहा है, तो इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो डेफिनेटली ये 1000 तक जाएगा। बट जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं किसी को भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि ना आप प्रॉफिट में ना ही मैं किसी टाइप का कमीशन चार्ज करता हूँ। अब बात करें, जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, डिविडेंड कंटिन्यूसली देती है कंपनी 2004 से, कभी कभी मिस किया है, बट एज मैंने अपने डिविडेंड वाले वीडियो में भी आपको बताया कि डिविडेंड इज़ एन ऑप्शनल थिंग, कोई भी कंपनी कभी भी नहीं देगी, ये कंपनी के ऊपर है, तो उसके अंदर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करते हैं। डिविडेंड क्या है उसके ऊपर पूरा डिटेल मैंने डिविडेंड के वीडियो में बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अभी के लिए अच्छी बात यह है जो मैंने पहले बताई थी, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। ओके, अब आप खुद सोचिए कि इसको बाई करें, सेल करें या होल्ड करें।
ओके। और जो मैं टिप्स बताता हूँ वो हमेशा यही रहती है कि देखो, मैं हमेशा बताता हूँ, मार्केट अभी कोरोना में 7,500-7,800 तक गया, लेकिन अभी वो फिर से रिटर्न होके 14,000 के प्लस हो चुका है, 14,400-7,000 तक टच किया। अब आप सोचिए, अब आप एटलीस्ट एक चीज़ सीख जाइए, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी अच्छे सिलेक्ट करेंगे तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप फियर फैक्टर में खेलेंगे, जो मैं टिप्स पे वीडियोस बनाए, आप ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखने को है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, हो सकता है कि आपको पता हो, बट अगर हैमरिंग होती रहेगी रेगुलरली तो आप वो स्टेप्स का ध्यान हमेशा रखोगे। ओके, तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे मैं आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, उसी तरह आप भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।